नए संसद भवन में आज से शुरू होगी कार्यवाही। सुबह 9:30 बजे सेंट्रल हॉल के सामने होगा फोटो सेशन। सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम होंगे, तो वहीं भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प भी लिया जाएगा। पीएम मोदी राज्यसभा के सभापति कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से 12:35 बजे तक कार्यक्रम होंगे। संविधान लेकर पुराने संसद भवन से नई संसद जाएंगे पीएम मोदी। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे पीएम। पीएम मोदी के साथ सभी सांसद भी नए संसद भवन जाएंगे। और ये भव्य तस्वीरें देखिए, नए संसद भवन जिसका उद्घाटन मई 2023 में किया गया था और इंतजार था कि कब सत्र की शुरुआत यहां से होती है, लेकिन एक सरप्राइज मिला जब विशेष सत्र बुलाया गया। केंद्र सरकार की ओर से विशेष सत्र में बताया जा रहा है कि करीब 8 विधेयक पेश होंगे, जिनमें से प्रमुखता से चर्चा महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हो रही है, क्योंकि महिलाओं की जो स्थिति है संसद में वो चौंकाने वाली है। लगातार जो हम सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं, जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक लोकसभा में सिर्फ 14% महिलाएं, तो वहीं राज्यसभा में 11% के आसपास महिलाएं हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस बिल के आने के बाद, बिल में क्या कुछ प्रावधान रहते हैं वो तो देखने लायक रहेगा, लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो इस बिल को समर्थन देने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है, क्योंकि अब विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के भी चर्चा हो रही है, तो अगर राहुल गांधी सहमति जता रहे हैं, जो कि विपक्षी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी एक बड़ी कड़ी है, तो ऐसे में ये संभवतः हो सकता है कि बाकी जो पार्टियां हों वो भी इसको लेकर के विरोध नहीं करें। लेकिन सरप्राइज सेशन हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी ने इशारा किया था अपने संबोधन के दौरान कि आखिरकार क्या कुछ खास रह सकता है। उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक निर्णय होंगे। अब आप सोचिए, ऐतिहासिक अगर करार दिया जा रहा है तो क्या कुछ छिपा है। परंतु आंकलन ये होना चाहिए था कि 75 साल के अंदर सरकारों ने और सांसदों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। क्या इस देश के हर नौजवान का नौकरी का प्रबंध कर पाए? क्या किसान को कर्ज के बोझ से नीचे निकाल के MSP का कानून दे पाए? क्या महिलाओं को बराबरी का हक दे पाए? क्या अच्छी शिक्षा और चिकित्सा दे पाए? क्या 24 घंटे बिजली और पानी दे पाए? इस बात का आंकलन भी। लेकिन जो दूसरी बात है, आप लोग की तरफ से भी कल से लगातार कही जा रही है कि नया पार्लियामेंट है, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए सरकार को, खासकर आपके जो 2 MP सस्पेंड है उन्हें लेकर, उस पर क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? सभापति जी ह्यूमर की बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम कानून का ही पालन कर लें। देश का संविधान, भारत की पार्लियामेंट की रूल बुक और सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये बोलता है कि किसी भी सांसद को एक सत्र से ऊपर सस्पेंड नहीं किया जा सकता, परंतु दोनों को उस कानून के विपरीत सस्पेंड कर रखा है, जो मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। इनको वापस संसद में बुलाया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपने संबोधन में, खासकर तब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि पंडित नेहरू भी संसद में हुआ करते थे, और उन्होंने एक जो उनके बयान का जिक्र किया उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों में काफ़ी अंतर है, आप हमारी परछाई भी नहीं देखना चाहते। नेहरू संसद में आते थे, विपक्ष के भी सवालों के जवाब देते थे, विपक्ष से बात करते थे, आप तो संसद ही नहीं आते। देखिए, ये बात सही है कि जितनी भी सरकारें आई, जितने भी प्रधानमंत्री आए, हर प्रधानमंत्री ने अपनी यथाशक्ति काम किया, परंतु सभी प्रधानमंत्री देश के सब सांसदों को साथ लेके चले और देश के विकास के अंदर लगे, ये उम्मीद देश की जनता करती है। एक दूसरा मुद्दा है, कल राजद के MP हैं मनोज झा, उन्होंने कार्यक्रम में ये बात कही कि मैं गारंटी देता हूँ कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, जनता के थ्रू ही कहा जाएगा कि लोग खुश हैं सरकारों से और चुनाव की क्या ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं संसद के अंदर भी।
और चलिए नए संसद भवन में क्या कुछ खास रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए नई संसद में आज से विशेष सत्र का आगाज होगा, सरप्राइज सेशन इसे कह रहे हैं हम। आज से विशेष सत्र का आगाज, खास बहुत कुछ रहने वाला है। जिस तरह से भवन का निर्माण हुआ है, 971 करोड़ की लागत से बना है नया संसद भवन। लागत देखिए 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है नया भवन, यानी कि जो क्षेत्र है वो 64,500 वर्ग मीटर का है नए भवन को बनाने के लिए। 1,224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था इस नए संसद भवन में की गई है, यानी कि सांसद यहां बैठ सकते हैं ज्यादा। लोकसभा में 888, वहीं राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं, संख्या में इजाफा कर दिया गया है। अगर तुलना यहां करें पुरानी संसद से, हालांकि दोनों ही अपने आप में भव्य है, देखिए दोनों का इतिहास है, लेकिन यहां भव्यता इसे दी गई है, आधुनिक स्वरूप दिया गया है। उस लिहाज से लोकसभा में 888 तो वहीं राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, लोकसभा में 1,272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे। अब आप देखिए कि इस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से सीटें लगाई गई हैं कि एक साथ 1,272 सांसद बैठ सकेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नए संसद भवन की। ग्रैंड आयोजन किया गया था, जब उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये नया संसद भवन। और नई संसद से ही 2024 के लोकसभा चुनाव को भेदने की कोशिश यहां होगी। बाकायदा सेंगोल भी स्थापित की गई थी लोकसभा स्पीकर की चेयर के पास में। सेंगोल को लेकर के भी कुछ विवाद हुआ था, विपक्षी पार्टियों ने निशाने साधे थे। पहले तो लाने दीजिए, हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्व जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं अभी कैसे बताऊं। पहले लाने दीजिए, उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से जरूर हमारी व्याख्या दिया जाएगी। ये तो आप मानते हैं कि अगर सरकार ला रही तो जीत है आप लोगों की? नहीं, हम जिस ढंग से लाना चाहते उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर हुए, हम तो खुशी होंगे। पहले तो लाने दीजिए। देखिए अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से पुरानी संसद के साथ में वो भावनाएं, वो अनुभव और स्मृतियां जुड़ी हैं, एक इतिहास है। और सबसे बड़ा इतिहास तो यही कि संविधान वहां से निर्मित हुआ था। और चलिए हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से नया संसद भवन खास रहने वाला है, और आगे भी आपको लगातार बता रहे हैं आखिरकार क्यों इतनी चर्चा हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपको बता रहे हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग, भूकंप का असर भी यहां पर नहीं होगा। अब देखिए कितनी इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि अगर भूकंप आता है, कंपन होता है, तो फिर उसका भी असर इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ेगा। 4 मंजिला बिल्डिंग जिसे बनाया गया है, कैसा है नया संसद भवन। नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं, देखिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दरवाजे। और जब कल गज द्वार पर फहराया गया था तिरंगा, तो फिर जिस तरह से भव्यता देखी गई थी गज द्वार की भी, गज द्वार पर फहराया गया था, लेकिन उसके अलावा 2 और दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, इनका नाम रखा गया है। एक का नाम ज्ञान द्वार, एक का नाम शक्ति द्वार और कर्म द्वार, इन्हें नाम दिया गया है। महत्व है लगातार नाम देने के पीछे। सांसदों और वीआईपीस के लिए अलग एंट्री है, यानी कि सांसद अलग रास्ते से भवन में प्रवेश करेंगे और वीआईपीस के लिए अलग से एंट्री होगी। नए संसद भवन परिसर में सांसदों के दफ्तर भी होंगे, यानी कि बकायदा दफ्तर बनाए गए हैं। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का यहां निर्माण किया गया है।
जो कि अलग है, भव्य है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान की मूल कॉपी रखी गई है, यानी कि वो मूल कॉपी जो कि पुराने संसद भवन से निकली है, निर्माण वहां हुआ है, अब वो यहां रखी जाएगी। ऑफिसर्स कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस है, यानी कि कर्मचारी हों या फिर ऑफिसर्स हों, जरूरी कामों के चलते कई बार पहुंचेंगे तो फिर उनके लिए व्यवस्था बैठने की। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक बना है, जिसकी चर्चा हो रही है लगातार। इतना हाईटेक बना है कैफे और इसके अलावा जो अलग अलग एरिया बने हैं, कमेटी मीटिंग के अलग अलग हाईटेक कमरे हैं, यानी कि कभी पार्टियां अपनी मीटिंग्स बुलाती हैं कई बार गुफ्तगू करने के लिए, तो उनके लिए भी फिर अलग से व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए लाउंज है, वीआईपी लाउंज की व्यवस्था भी वहां पर की गई है, चाहे महिला हो या फिर उसके अलावा वीआईपी हो तो लाउंज की व्यवस्था है, बाकायदा आप वहां बैठ सकते हैं और फिर आगे बातचीत का क्रम जारी रहेगा। महिलाओं के लिए अलग इसे भागों में बांटा गया है, देखिए महिला और एक वीआईपी, यानी कि दोनों यहां दोनों के लिए ही व्यवस्था कर दी गई है। नया संसद भवन जो कि बेहद भव्य बना है, सुविधाओं को देखिए यहां बढ़ाया गया, और इसलिए बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इस भवन में शुरू हो जाए कार्रवाई, केंद्र सरकार की ये कोशिश थी। हालांकि विवाद हुए थे उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दें कि आखिरकार क्यों इसकी चर्चा हो रही है। सरप्राइज सेशन जिसका लगातार इंतजार हो रहा है, सरप्राइज सेशन देखिए इसे नाम दिया गया है, संसद भवन को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए अब किस तरह से ये रणनीति के तहत हो रहा है, 18 से 22 तारीख और फिर 19 तारीख का चयन होता है कि 19 तारीख से ही श्री गणेश होगा, यानी कि शिफ्टिंग जो पुराने भवन से नए संसद भवन में वो शिफ्टिंग होनी थी वो हो जाएगी आज। इसको लेकर के बाकायदा पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सांसद वॉक करते हुए चलते हुए पहुंचेंगे नए संसद भवन की बिल्डिंग में, क्योंकि दोनों की दूरी कम है, दोनों आसपास ही है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन के पास में ही उसकी बिल्डिंग को बनाया गया है। बाकायदा एक कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि यहां से इनॉग्रेशन तो पहले हो चुका है, उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन यहां से क्योंकि अब शुरुआत होनी है, एक नया इतिहास रचा जाना है, कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से पुरानी संसद का इतिहास रहा, कई बार भावपूर्ण पल भी आए सांसदों के लिए, कुछ सांसदों को कई बार जब लगातार विधेयकों पर चर्चा होती है अपनी बात रखने का जो समय मिलता है उस दौरान भावुक होते भी देखा गया है। संविधान का निर्माण वहां से हुआ है, तो आप सोचिए कितने अनुभव और कितनी स्मृतियां उनकी जुड़ी हुई होंगी पुरानी संसद भवन से। अब कोशिश यही रहेगी, क्योंकि सपना जो देखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो सपना यहां से साकार करना है, इस बिल्डिंग से साकार करना है, इस भवन से साकार करना है, सांसदों के लिए और मंदिर कहे जाने वाले इस स्थान से साकार करना है। क्योंकि जिस तरह से भारत में लोकतंत्र की स्थापना है, तीन मूल स्तंभ जिस तरह से माने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, यहीं से इतिहास लिखे जाने की कोशिश हो रही है। और देखिए किस तरह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा में 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे, आप समझिए इस चीज को। और जो बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, लगातार जो चेयर्स बनाई गई हैं उन्हें भी नया रूप दे दिया गया है। देखिए ब्राउन कलर उनको दिया गया है, पहले जो होता था थोड़ा सा लाइट क्रीमिश कलर होता था, लेकिन अब जो है कलर में बदलाव किए गए, यानी कि रंग रूप और विशेषता सभी में बदलाव कर दिया गया है, पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए संसद को सिर्फ भावनाएं समान रहेगी, सिर्फ कार्य समान रहेंगे, चर्चा समान रहेगी, लेकिन जो स्वरूप होगा, ढांचा होगा, वो बदल दिया गया है। लोकसभा में 1272 से ज्यादा सांसद बैठेंगे। देखिए हरे कलर के बाकायदा जो बैठने के लिए बेंचेस बनाई गई हैं, उसे पीछे से बैकग्राउंड से जो रंग दिया गया है वो हरा रंग उसे दिया गया है। लाइटिंग वहां शानदार की गई है, जो बाकायदा भवन बनाए गए हैं, लाउंज बनाए गए हैं अलग अलग, उसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी एकदम प्रॉपर की गई है। लगातार आपको जानकारी देते गएंगे कि आखिरकार नए संसद भवन में क्या खास है, लेकिन